पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा ने अपनी लगाम कसनी शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया और आईटी सेल पर चुनाव का ज्यादा दारोमदार रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार 2014 में सोशल मीडिया और आईटी सेल को मजबूत करने के बाद भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, उसी तर्ज पर अब 2022 का चुनाव लड़ने भाजपा जा रही है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाजपा कार्यालय पर सोशल मीडिया प्रभारियों और आईटी सेल के जिम्मेदारों के साथ बैठक करते हुए उन्हें 2022 के चुनाव में जी जान से लगने के निर्देश दिए जा रहे हैं। दरअसल बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर बैठक कम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने निभाई और संचालन जिला महामंत्री के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सोशल मीडिया के सह संयोजक मयूर भाटिया कार्यक्रम के संयोजक रहे। इस दौरान सर्वप्रथम सभी सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी सेल के संयोजक और सभी जिम्मेदारों का स्वागत किया गया और फूल देकर उनका उत्साह वर्धन किया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सोशल मीडिया और आईटी सेल की कार्यालय में हुई पहली बैठक में सभी को 2022 का लक्ष्य दिया गया और सभी से पार्टी का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महामंत्री राजन विश्नोई, कमल प्रजापति, अभिषेक सिंह, आईटी सेल संयोजक शुभम वाल्मीकि, सोशल मीडिया सह संयोजक मयूर भाटिया, जिला मीडिया प्रभारी संजय ढाका के साथ अन्य पदाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और उससे हम क्या फायदे ले सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब कल काफी लोगों से मैंने संपर्क करना चाहा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं कि सोशल मीडिया आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई किसी ब्लॉक प्रमुख के क्षेत्र में कोई इलेक्शन होगा उसका सबसे बड़ा परिणाम है जब मोदी जी पहली बार इलेक्शन जीते तो उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार को किया गया। भाई हमारे जितने भी विधायक एमपी एमएलए जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं मानते हैं, हमारा मानना है कि बहुत सारे लोग जन जनप्रतिनिधि तक जाते हैं कि हम लोगों ने संगठन ने मंडल स्तर पर और जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर आज जो हमने बैठक बुलाई है सोशल मीडिया प्रभारी और आईटी संयोजक इनकी बैठक बुलाई है, इसके साथ साथ मंडल अध्यक्ष बुलाए हैं और इसके साथ साथ जिले के पदाधिकारी हमने बुलाए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जो कार्य है वो हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा, बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, अभी जैसा राशन लेके जा रहा है हमारा एक जिसको आवश्यकता है उसको ये पता नहीं होता कि भाई राशन कौन दे रहा है, वो सोचता डीलर दे रहा है। तो इस सब के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आईटी के माध्यम से हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो सब नीचे तक जनता तक पहुँचे और आने वाले चुनाव में अभी जो 2022 में आ रहा है प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर किया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।